What's up guys, welcome back to the vlog. अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं. मैं सो गया था 4 बजे, had a 1 hour of sleep. सुबह शायद मैं पढ़ाई कर रहा था. जो लोग ट्विटर पे फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, उनको पता नहीं होगा. तो आज मैंने चौड़े का ऐलान कर दिया कि वी आर गेटिंग बैक इनटू एविएशन. कॉकपिट में दोबारा जाने की तैयारी. शोर कितना है यार, पूरी दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सामने का कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होगा. इतना शोर एकदम से शांति हो गई. तो पढ़ाई चल रही थी, अभी एयर स्पेस के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, बहुत डिटेल में भी नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ. तो ये फर्स्ट सेमेस्टर की ज्यूरिसप्रूडेंस की किताब, तो ज्यूरिसप्रूडेंस हमने ऑस्टिन थ्योरी पढ़ी थी 4 जनवरी 2022 को. दैट इज दो लेक्चर 7 जनवरी के. एंड दैट इज माई पढ़ा. हाँ, फिर यहाँ से मैंने ये मेरी एविएशन की पढ़ाई चालू हो चुकी है. यहाँ से मैं एयर स्पेस पढ़ रहा हूँ, वेदर पढ़ रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला. क्या कर रहा है भाई, पूरी गर्मी हमें एसी चला, एसी चल रहा है. क्यों भाई, क्या है सामान तुम्हारा? तो भाई साहब जूते साफ हो गए, सारे जूते लेके जाएंगे. और पैकिंग चल रही है, पैकिंग है, पैकिंग चल रही है. ये ड्राई फ्रूट्स लाया हूँ, ट्रिप में लेके चलेंगे, बिल्कुल जंक नहीं खाएंगे भाई इस बार. वी हैव आल्सो ऑर्डर 2 ब्रांड न्यू पावर बैंक्स और 2 क्यों किए. और इसमें मैं पवन मार्केट अपना नाम लिखूंगा, ताकि मुझे पता है मेरा चार्ज हमेशा रहेगा और ये रितु इसी में पहले ही अपना भी. तो ट्रैवलिंग में हमने रस मंगा लिया जी, काजू बादाम टिपेट. कौन से गाने पे डांस चल रहा है भाई? क्या बना रहा है पापा के लिए रशि आज? एग्स बना रहा है. एग्स के साथ क्या मिलेगा? एक चटनी. नाइन हैज बीन डन. जब स्विमिंग पूल नया नया खुला था तो भीड़ लगी रहती थी. फिश मार्केट अब हो चुके हैं ना 6 महीना 3 महीना. तो ये देखो ये हाल है भाई. यहाँ चल रही है रिप्टो की पैकिंग. अटैची निकाल दी, मैं अभी आधा को करके सोऊंगा बेटा पक्का. दिस इज माय मील, ब्रेड, एवोकाडो एंड एग्स. घर आज थोड़ा गंदा है क्योंकि पैकिंग चल रही है. आज और कल ऐसा ही रहेगा. आई थिंक मैंने अपना सपोर्टर गलत पहन लिया, फंस रहा है नीचे. बचपन में बहुत लोग ऐसे खाते थे गोली. मैं कहता ऐसे क्यों करते हो, डबल ही खा लो. न्यू शूज पापा के, जिम के, जिम के अलग. गोइंग टू प्ले क्रिकेट बेटा, कोई जरूरत नहीं है. तबीयत खराब है ना, बैठ जाओ ना, और खराब हो गई तो जा नहीं पाओगे आगे. बड़ा तबीयत खराब है लेकिन परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन. जस्ट लेफ्ट होम और देखो 55-54 लाइट ही चमक रही. सबसे पहले तो नहीं, लखनऊ में नहीं है, सॉरी. अभी ट्रैवल कर रहे हैं, पैकिंग बिल्कुल नहीं हुई है, तबीयत थोड़ी खराब है, इतनी दूर जाना है, बॉडी की हालत टाइट है, काम बहुत बचा लेकिन फिर भी क्रिकेट खेल रहे हैं. पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि भाई जिंदगी में जो भी काम किया ना, पागलपन की हद तक किया यार. खेला तो पागलपन की हद तक, बॉडी बिल्डिंग किया तो पागलपन की हद तक, करियर चेंज करना था तो पागलपन कर लिया, लॉ करना तो पागलपन कर लिया. किसी की मारता हूँ ट्विटर पे ना भाई, उसको भी छोड़ता नहीं, पागलपन तक मारता ही हूँ फिर मैं उसकी. बस जिंदगी में एक काम मैंने पागलपन की हद तक नहीं किया, वो थी कॉलेज में पढ़ाई. बाकी सारे काम मैंने पागलपन तक हद तक ही किए. कहाँ जाना है इस इंसान को, आधे घंटे से ही. भैया थैंक यू भाई, ये तो रास्ता ही बंद है यहाँ से यार. अरे भैया आप कहाँ से जाएंगे? जीपीएस तो दिखा रही से है. 25 मिनट का रास्ता बचा तो जो कि बढ़ के अब 38 मिनट हो चुका है. भगवान, दुख का ये खत्म नहीं होता. नहीं होता भाई, मैं सब 5 मिनट को चलाते चलाते गाड़ी 38 मिनट से अभी तक 37 हुआ है. इस लगता गाड़ी में अलौकिक शक्तियां हैं. कुछ टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ. पेल दिया भाई, पेल दिया लियो. भगा रहा था भाई उसको पुलिस वाले को. अरे भैया पंगा ना लिया करो, गलती करी तो. पुलिस वाले ने उसको रोका, वो और रेस दिया कि उसको मैं आगे निकल जाऊंगा. अरे भैया मैं फुरुस्त हो गया और ट्रैफिक में गाड़ी चला चला के भाई कौन से कोने में आ गया मैं, पता नहीं भाई. ये टो 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 टो. उस तरफ है खुश नसीब लोग, इस तरफ है बद नसीब लोग. भाई साहब ये नहीं खत्म होने वाला, नहीं खत्म होने वाला. मैं सोच रहा हूँ जो बंदे दिन भर ऑफिस में बॉस की सुन के आते हैं, उसके बाद 2 घंटा यहाँ ट्रैफिक में जब फंसते होंगे और घर जाके जब बीवी सुनाती होगी, उन बंदों को मेरा नमन है भाई, नमन. भाई ये BMW का बहुत ही घटिया फीचर है गाड़ी में, टोंटो. भैया इंडिया में बम्पर टू बम्पर ही ड्राइविंग होती है यार. भैया सिर दर्द हो जाएगा, आप 1 घंटा ट्रैफिक में फंस जाएंगे ना, ये पत्ती से भी पुंग हो जाएगा. देखना पत्ती से निकालूंगा, ये देखो पत्ती है ना, ये देखो रेड दिखा दिया, इसको ऑब्स्टिकल लग रहा है. ये तो चलता है इंडिया में यार, ट्रैफिक से डर नहीं लगता साहब, ये BMW की टूटो से डर लगता है भाई, इससे सर दर्द ज्यादा हो रहा है. अरे साले ये दोनों लड़ रहे हैं यहाँ पे यार, जाम लगा हुआ. नहीं नहीं तुम लोग लड़ लो पहले, बाद में मौका ना मिले ना. सो हम दिल्ली के बाहर इस गांव में आ चुके हैं और यहाँ पे एक स्कूल है और स्कूल का ग्राउंड है वो. बट ताज्जुब की बात यह कि दिल्ली के बाहर रात को डे नाइट मैच हो रहा है स्कूल के ग्राउंड में, मतलब कि भाई स्कूल तो तगड़ा होगा. तो दिस इज आवर ग्राउंड, अभी होने जा रहा टॉस. बैटिंग में सेट चाहिए, ठीक है, एक सेट चाहिए. टॉस जीत चुके हम, अभी देखते करना क्या है. बैटिंग करेंगे सर. चलो बहुत बढ़िया. पिच हालांकि पूरी गीली है, पता नहीं क्यों अभी पानी मार दिया यहाँ पे, बट ठीक है अब सह लेंगे. बट ये है कि दोनों टीम्स के लिए उतना ही डिसएडवांटेज है, क्योंकि अब सूरज तो निकलेगा नहीं तो पिच सूखेगी नहीं, थोड़ा सा एडवांटेज होगा दूसरी टीम को. बट हाँ बॉल तो रुक के आएगी यहाँ पे. भाई अब तो टॉस भी हो गया, अब जलवा दो लाइटें. लाइटें चल रही है, यहाँ पे पेनल्टी लगती है, स्लो ओवर रेट में अंधेरे में खिलाएंगे आपको. ये है प्रॉपर क्रिकेट शू, इसको भी भैया ने टाइट किया है. चाबी से एक बार दिखाओगे खोल के? ये रिपल्स है, ये खोल दिए.
तो ये अभी स्टार्ट होगा, इसी के ऊपर स्पाइक रखेंगे, इसी में स्पाइक भी डल जाएगा। स्पाइक है मेरा, स्पाइक इसमें स्पाइक लगाया, इसी को ऐसे ही टाइट कर दिया। तो मैच होने जा रहा है स्टार्ट, बढ़िया लाइटिंग है, बढ़िया ग्राउंड है वाला। पेपर दिखा दे पेपर एक बार, वैभव दे रहा है भाई DDCA के एग्जाम। आज पेपर था ये वाला? हाँ ये वाला का पेपर था आज। प्रैक्टिकल और वैभव, प्रैक्टिकल भी होता है कल है, तो उसमें क्या गलत आउटों को दिखाते हैं वो। ये किस लिए एग्जाम है ये बताओ? स्कोरिंग के स्टेट पैनल का, DDCA ने इनिशिएटिव निकाला है। अंपायरिंग का नहीं है ये, अंपायरिंग का नहीं है। ऑलरेडी है, ऑलरेडी अंपायर है, ऑलरेडी अंपायर हूं। किस लेवल पे? DDCA स्टेट पैनल, स्टेट लेवल का। आप रणजी में कर सकते हो अंपायरिंग? रणजी में नहीं कर सकता। कहां कर सकते हो? DDCA से एफिलिएटेड जो भी टूर्नामेंट है, एंड DDCA के जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें अंडर 14 अंडर 15 अंडर 17 मेंशन द डिसमिसल वेयर रन आर स्कोर्ड इवन आफ्टर द बैटर इज डिसमिस्ड। ये कौन सा होता है भाई? बैट्समैन आउट होते हैं, कौन से ऐसे सिनेरियो है कि जिसमें रन भी मिलेंगे बैट्समैन तो भी आउट? अगर दो रन भाग के लिए तो पहला वाला काउंट होगा, जस्ट लाइक रन आउट है, रन आउट में हो सकता है, हो सकता है एक ये दो रन भागे फिर बोला चल मैं आउट हूं, मैं नहीं खेल रहा, मैं जा रहा हूं, काउंट होगा। और एक इसमें वाइट बॉल होगी, वाइट बॉल में रन मिलते हैं, वाइट बॉल में रन मिलता है। जब आप ये कर लोगे फिर आप स्कोरिंग करने लगोगे, मतलब सेम मैच सेम लेवल पे, सेम लेवल। अब थर्ड अंपायर का भी होता है क्या? थर्ड अंपायर का नहीं होता क्योंकि लीग में थर्ड अंपायर होता है ना। अब इससे क्या होगा कि इसके बाद नेक्स्ट BCCI के एग्जाम्स होते हैं और ICC के अलग होते होंगे? ICC के नहीं होते, बेसिकली BCCI वही रिकमेंड कर देते हैं क्योंकि जैसे स्कोरिंग वो अंपायर्स के होते हैं, स्कोरर्स के नहीं होते। फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच उड़ी नहीं क्या बॉल? उछली नहीं है। 100 हो गए भाई कोहली के, 100 हो गए ना, अब मारेंगे। दिस इज अनरियल। हम लोग की वो इंडियन टीम, अच्छा इंडियन टीम हमारे वाले तो मार, मैं कहूं हमारे रन कैसे आ गए यार? शॉट है भाई, शॉट है, शॉट है। एक 118 10 ओवर में स्कोर है अभी। भाई ने इस ओवर में 3 चौके मारे, धागे खोल दिए पड़ोसियों ने। पिच के गड्ढे देखो, बॉल पड़ने से इंपैक्ट से गड्ढा। ये देखो बॉल, ये देखो एक बॉल पड़ी इंपैक्ट है, तो मतलब एटलीस्ट 25% स्पीड बॉल की यही लूज हो जाती है। आखिरी बॉल पे पकड़ ली, नॉट आउट रहता, एवरेज खराब कर दिया। करी हीरोज पे यार, रेड यार, रेड है, फटाफट करेंगे ऑल आउट करो, अपने अपने घर चलो भाई। जय माता दी। हमारे थे टोटल 212-213 का चेस, हम लोग बहुत आराम से मजे करेंगे। 4 बॉल पे 4 चौके जड़ दी भाई, फट चुकी है टीम की। थोड़ी सी तबीयत खराब सी लग रही क्योंकि यार जब आया था ना मैं 2 महीने से AC में नहीं सोया, आज पता दिमाग में क्या आया मैं AC चला के सो गया, तो उठा तो हल्का सा फीवरिश, मैं ऋतु शरीर में जान नहीं लग रही, जब भी शरीर में जान लगती मैं खेलता अच्छा हूँ, मैं जरूर खेलूंगा। पैरासिटामोल दबा के आया था तो आई थिंक वो असर खत्म हो गया, अभी थोड़ा सा डाउन लग रहा है, एक दो और देखूंगा अगर ज्यादा थकाऊंगा ना। और दिक्कत क्या, मैं मैच में आई डोंट ईट कार्ब्स, तो यहाँ पे हर चीज शुगरी ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक में कोई हेल्दी ड्रिंक है ही नहीं, मैं अवॉइड करता हूँ भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अभी जो सेट बैट्समैन था उसका विकेट गिर चुका है, 30 बॉलों पे 48 रन चाहिए, दोनों नए बैट्समैन है, तो मैच अब थोड़ा हाथ में है पहली बार जाके। अरे बात तो मैं तेरे से कर लूँ, तू पूछती नहीं है मेरे से कि कितने रन बनाए, कैसा खेला यार तू, कब तक वो पता ही क्या कितने रन बनाए, ठीक खेला 40 रन बनाए थे, आखिरी बॉल पे आउट होगा नहीं तो नॉट आउट रहता यार। रीच होम, अबे अब तो टू टू करना बंद कर दे रीच होम, बट दिक्कत ये है कि जितना लेट आते तो घर में यहाँ पर कोई पार्किंग सारी भरी होती है, कोई पार्किंग नहीं है। अरे भाई इसको क्या ऑब्स्टेकल दिख रहा है भाई। सो ड्यू टू सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आई हैव डिलेड माय पैकिंग बाय 1 डे, व्हिच इज ऑलरेडी माय चित्रा विल बिकम टुमारो, आई नो दैट, बट ऑल्सो शी इज नॉट गिविंग, मुझे लगता नहीं है कि ये, मैं ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, सो आई एम ट्रांसलेशन टू हिंदी, मुझे लगता नहीं। अरे भैया जान ही नहीं टांगों में यार। अरे भैया तो सेम प्राइस मिल रहा था, ठीक है।